राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर स्वागत है आपका। लीजिए पेश है हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश की राजधानी शिमला में होटल होलीडे होम में चौथी सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला में विधानसभा के पास बनने वाले फ्लाईओवर का निर्माण काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके निर्माण और रेलवे की जमीन के इस्तेमाल को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र को मंजूरी के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी काम 23 जून 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। प्रदेश में नवरात्र में चुनाव प्रचार का आगाज करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। नवरात्र से हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार शुरू करेगी। जिला कांगड़ा में 26 सितंबर के बाद प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित है। नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की नेताओं की केंद्रीय नेताओं से इस बाबत चर्चा हुई है। प्रदेश के नेताओं ने रैली के लिए स्थान चुनने पर मंथन शुरू कर दिया है। हिमाचल को मिली 30 नई एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2010 को राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत ये राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में 46, 2020 में 100 और 2022 में 50 एम्बुलेंस जनता को समर्पित की गई है। प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 196 एम्बुलेंस प्रदान की गई है। चीन सीमा से सटे प्रदेश के जिला किन्नौर और लाहौर के 36 गांव की सड़कें होंगी पक्की। सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण चीन सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के 36 गांव को जोड़ने वाली 5 सड़कें चौड़ी और पक्की होगी। 73 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने करीब 83.19 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सीमा पर विकास होता देख अब चीन भी तिल मिलाएगा। इन सड़कों के पक्का और चौड़ा होने से भारतीय जवानों को चीन सीमा तक पहुँचने में जहाँ आसानी होगी, वहीं स्थानीय लोग भी इससे फायदा उठाएंगे। बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि जो सैलरी देने का उन्हें वादा किया जा रहा था, फिलहाल उन्हें वो नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा उन्हें लगभग 19,000 मासिक देने की बात की गई थी, लेकिन 10,000 के करीब ही उन्हें सैलरी दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें पूरा वेतन मान दिया जाए और हर साल इसे बढ़ाया भी जाए। प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में 15 को कांग्रेस का मंथन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन का दूसरा चरण पूरा करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 15 सितंबर को दिल्ली में होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपादास मुंशी की अध्यक्षता में होने वाली 9 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी आवेदकों के पैनल पर विचार करेगी। इसके बाद इसी महीने केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है। सितंबर के अंत तक प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। सोमवार को 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मिले 1,300 आवेदनों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद विधानसभा क्षेत्र वार पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर बनेगा राज्य का वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर राज्य वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनेगा। इसके लिए सरकार गोविंद सागर झील के मूलभूत ढांचा विकसित करेगी। एक नए इंडोर स्टेडियम के निर्माण और वाटर स्पोर्ट्स हॉस्टल को शुरू किया जाएगा। ये बात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कही। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ सरकार ने वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की है और इसे जमीन पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों के वाहनों की सालाना पासिंग कराना अनिवार्य। हिमाचल के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के वाहनों की सालाना पासिंग कराना अनिवार्य कर दिया है। छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। पासिंग न करवाने वाले संस्थानों के वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के ध्यान में ये गंभीर मामला आया है, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। प्रदेश में किसानों को सस्ते रेट पर मिलेगा लहसुन का बीज। हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस बार लहसुन का बीज पिछले वर्ष की तुलना में 37 रुपए सस्ते दाम पर मिलेगा। विभाग ने डिमांड कृषि निदेशालय को भेज दी है। विभाग ने कुल्लू से 137 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज की खरीद की है, जिसे किसानों को 50% अनुदान में दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 210 में विभाग ने बीज की खरीद की थी, जिसे किसानों को 105 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया था। सितंबर से नवंबर महीने तक बिजाई काम किया जाता है। ये समय लहसुन की
बिजाई के लिए सबसे अच्छा होता है। पिछले वर्ष कोविड के बढ़ते संक्रमण के साथ बाहरी राज्यों में लहसुन की अधिक मांग भी रही है। कसौली छावनी से सिविल क्षेत्र को बाहर करने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू। हिमाचल प्रदेश के कसौली छावनी से सिविल क्षेत्र को बाहर करने के लिए ड्रोन से सर्वे शुरू कर दिया है। इसमें करीब 100 मीटर की ऊंचाई से सर्वे किया जा रहा है। छावनी क्षेत्र में हर भवन, सड़क और खाली जमीन का जायजा लिया जा रहा है। इडाल ड्रोन सर्विस कंपनी और छावनी अधिकारी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। कसौली के बाद प्रदेश के अन्य सभी 6 छावनियों में भी सर्वे शुरू होगा।